हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयब रक्सपन, नाली यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूँ आपको। आज मैं आपके साथ नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो अनाउंस हुई है OPF की तरफ से। पाकिस्तान फाउंडेशन है, ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है जॉब्स, और ज़बरदस्त जॉब्स हैं जिनमें वेलफेयर असिस्टेंट की हैं और वेलफेयर ऑफिसर की जॉब्स हैं, जैसे कि लेडी हेल्थ वर्कर की सीट से, इस टाइप की ही जॉब्स हैं कुछ जो अनाउंस हुई हैं। और इसका जो अप्लाई करने का तरीका आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, तो जल्दी से पहले वीडियो के नीचे दिए गए बटन पे, लाइक के बटन पे क्लिक कर दें, लाइक कर दें, और साथ ही सब्सक्राइब के बटन पे सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। साथ बेल आइकन पे क्लिक किया करें, इससे आपको जैसे ही अपलोड करूंगा वीडियो तो आपको फौरन मिलती रहेगी इन्फॉर्मेशन। तो उसके बाद क्या करना है, आपने गूगल में आ जाना है, गूगल ओपन करके यहाँ पे लिखना है ROZIGO और रोजिगो लिखना है आपने। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे वर्ड टॉप पे वेबसाइट शो हो जाएगी, यहाँ पे रोजिगो के लेटेस्ट प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब्स, आपने इस पे क्लिक करना है। और इसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाना है, यहाँ पे फर्स्ट पे आ रही है, अगर जॉब्स ऊपर आ रही होती है, अगर लेट वीडियो देखें तो ये जॉब्स नीचे आ चुकी होगी, तो आपने नीचे आके भी देख लेना है। तो यहाँ पे OPF जॉब्स एडवर्टाइजमेंट 2019, आपने इस पे क्लिक करना है। तो इसके बाद यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी, कौन कौन सी जॉब्स अनाउंसमेंट हुई है और क्या इसका क्राइटेरिया है। न्यूज़पेपर जो है डाउन के न्यूज़पेपर में अनाउंस हुई थी ये, पब्लिश डेट इसकी 6 मई को ही अनाउंस हुई है, लास्ट डेट इसकी 20 मई है। मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन डिग्री तक लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और जेंडर जो है इसके लिए मेल एक्सपीरियंस जो है रिक्वायर्ड है 1 से 15, सिर्फ मेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं मेल जो है, और 1 से 15 साल तक एक्सपीरियंस है। मुख्तलिफ जॉब्स हैं उसका, हर एक्सपीरियंस मुख्तलिफ है, और 20 से 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब, सिंध, KPK, AJK में इस सब सिटीज़ में इनकी जॉब है, मतलब पूरे पाकिस्तान में सीट्स हैं इसकी। और इसके अलावा कुछ जॉब्स ये भी हैं, इनमें भी अप्लाई करना चाह रहे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपने थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है जी, कैंडिडेट है जो है LLB, LM, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री और डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी रिक्वायर, HSC एन एक्सपीरियंस, मतलब आपके पास LM मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री हो, LLM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एज जो लिमिट है वो 30 से 40 साल तक है, बल्कि 22 से 40 साल तक एज है इसकी। और बेस ऑफ पोस्टिंग जो है यहाँ पे बाई मिस्टेक कोई होगी, यहाँ पे 22 से 40 साल तक है। यहाँ पे बताया गया कि जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी आपकी सिर्फ इन सिटीज में होगी पोस्टिंग, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको इस्लामाबाद, पिशावर, फैसलाबाद, कराची, सियालकोट, इन 4-5 जो सिटीज़ हैं इनमें ही आपकी पोस्टिंग होगी, यहीं पे आपको जॉब्स के जो है वो यहाँ पे देने होंगे ऑर्डर जो आपको। और इसके अलावा जो वैकेंसी जो है वो सीनियर लीगल एडवर्टाइजर की हैं, डिप्टी मैनेजर की हैं, वेलफेयर ऑफिसर की हैं, फैसिलेशन ऑफिसर की हैं, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की हैं। बाकी अप्लाई करने का तरीका क्या है कि आपने अपने हाथ से एक एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं सारे वो फोटोकॉपी करा के इसके साथ अटैच करने हैं, अटैच करके बल्कि इसके साथ भी वही सिस्टम होगा क्योंकि ये भी CTS में है। आपने एक इसका यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके लास्ट पेज पर उसका जो डाउनलोड करेंगे चलान भी होगा, और बताया भी गया होगा कि कितने का चलान पे करना है आपने और किस एड्रेस पर साइन करना है और क्या साथ आपने अटैच करने हैं, वो सारा वो आपने पढ़ लेना है। और उसके साथ आपने अटैच करके फॉर्म के साथ ये जो फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के साथ अटैच करना है, फॉर्म को फिल भी करना है, और उसके बाद आपने सबमिट करवा देना है, बल्कि कोरियर करवाना होगा आपको इस एड्रेस के ऊपर। उसके अलावा एड्रेस वहाँ पर भी दिया गया होगा जो आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ पे उस एड्रेस को भी आप देख के अप्लाई कर सकते हैं, उस एड्रेस पे TCS करवा सकते हैं। बाकी कोई भी इशू हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।